नमस्कार, आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं संजीव गंभीर और मैं हूं प्रगति झा। एक तरफ लोग लॉकडाउन है और अपने डॉक्टर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहीं पुलिस दिनों दिन लगातार सख्त होती जा रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानियां ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों को उठानी पड़ रही है। अपनी इस खबर में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शहर के वरिष्ठ फिजिशियन और सरन अस्पताल के मालिक डायरेक्टर डॉक्टर सुदीप सरन की बात। शहर के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर सुदीप सरन की सलाह को आप लोग गौर से सुने। उनकी सलाह की एक एक लाइन इन दिनों आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। देखते रहिए गंभीर न्यूज। चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दर्शकों, डॉक्टर सुदीप सरन का अभिवादन। आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ कोरोना के इस प्रकोप में हम क्या खाएं और क्या न खाएं। पहले मैं बात करूँगा हम क्या न खाएं। हमें वो सब चीज़ें नहीं लेनी जो गले को ख़राब करती हैं, ख़ास तौर से खट्टा एवं ठंडा, क्योंकि यह वायरस का इन्फेक्शन हमेशा ज़्यादातर गले से प्रभावित होता है। तो ठंडा और खट्टा ना खाएं। रात को घी और से बने हुए पराठे या पूरी वगैरह ना लें। अगर लेते हैं तो थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लें। सुबह शाम गरारे करें यदि प्रारंभिक लक्षण आपके ठंडा और खट्टा खाने से गला खराब के होते हैं। बात नंबर दो, ऋतु परिवर्तन हो रही है और लोग पंखा और एसी चला के सोने लगे हैं। इससे सुबह के समय ही गले में खिचखिच होती है, गला खराब होता है। वायरस के प्रारंभिक लक्षण करना ये है, पूरे कपड़े पहन के सोएं, एक पतला कंबल लेके सोएं, पंखे की स्पीड ज़्यादा ना करें, मच्छरों को भगाने के लिए पंखा ना चलाएं, जबकि कोई मछुआ विरोधी कोई चीज़ किसी चीज़ का इस्तेमाल करें। बहुत से साधन उपलब्ध हैं। बात नंबर दो, फ्रिज में रखा हुआ बासी खाना बिल्कुल ना खाएं। इस समय की बात हो रही है कि फ्रिज में बना के रख ले रहे हैं और उसको सुबह शाम खा रहे हैं। नहीं साथियों, सब्जी सुबह के समय उपलब्ध है, रोज़ ताज़ी सब्जी लें। बासी सब्जियां हमारे पेट को ख़राब करेंगी, पेट में दिक्कत पैदा होगी, फिर कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं होगा। तीसरी भूल जो इस समय आम तौर पर घरों में हो रही है, क्योंकि लोग चिकन और मटन और फिश बड़े प्रेम से बना रहे हैं और बनाने के बाद उसको खा रहे हैं, ये बड़ा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ये मसाले एवं तेल युक्त जो खाद्य पदार्थ हैं ये हमारे पेट को ख़राब होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अगर रात में कोई दिक्कत हुई तो कोई चिकित्सा सहायता आपको नहीं मिल पाएगी। चौथी बात यह है, फ्रिज में जो सामान रखें फ्रिज को डेली एक बार साफ करें। फ्रिज में रखी हुई वस्तुएं जो खाद्य पदार्थ है, सब्जियां वगैरह हैं, उनको पॉलीथिन में रख के अलग अलग सब बना के उनको रखें और दिन में एक बार निकाल के पानी से धो के उनको साफ करके पुनः रख दें। पुनः कहना चाहता हूँ कि बहुत लंबे समय तक का स्टॉक ना करें और बासी ना खाएं। एक बात और, जो मरीज ब्लड प्रेशर के हैं, हार्ट के हैं, डायबिटीज़ के हैं, उनके लिए दवा अत्यंत आवश्यक है, लेकिन दुर्भाग्य से चूँकि इस समय आना जाना संभव नहीं है, तो आप क्या करें कि आपके जो दवा डॉक्टर के दवाओं के पर्चे होंगे वो आपके क्षेत्र में उस नाम से नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो भी दवा का साल्ट एक होता है, नाम का फर्क होता है और हर क्षेत्र में अलग नाम से मिलती है। तो अपने केमिस्ट को अपनी दवाओं का रैपर दें और उस साल्ट की दवा निश्चित रूप से आपके इलाके में मिल जाएगी। तो दवा ना तोड़ें, दवा को लेते रहें। उसके लिए अपने डॉक्टर से संपर्क ना हो पाए तो भी स्थानीय केमिस्ट से निश्चित रूप से आपको दवा मिलेगी। दवा किसी भी हालत पर ना तोड़ें, नहीं तो जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। अपने डॉक्टर से आप टेलीफोन पर संपर्क भी कर सकते हैं। एक लंबी अवधि है जिसको हमको गुजारना है। मुझे उम्मीद है आप इन छोटे छोटे सुझावों का ध्यान रख के अपने राष्ट्र को इस वायरस के प्रकोप और महामारी से बचाने में सहयोग करेंगे, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे एवं खुद भी सुरक्षित रहेंगे। हाँ, एक बात और, खान पीन में अच्छा आहार लीजिएगा। जब मैं अच्छे आहार की बात करता हूँ
तो बात करता हूँ फल, फलों के रस और घर में बनी हुई दालें। दालें हैं नाश्ते में, अंकुरित चने आप ले सकते हैं, अंकुरित दाल ले सकते हैं। इन चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करें। सोयाबीन की बरी है, सादी बरिए हैं, ये वो जराई चीज़ें हैं जो बना के रखी जा सकती हैं। और यदि आपके घर के अंदर और साधन भी उपलब्ध नहीं है, सब्जी उपलब्ध नहीं है, तो दाल, रमाश, छोले एवं बड़ी, सोयाबीन की बड़ी, इन चीज़ों से आप अपने घर के सब सदस्यों को आप प्रेम से दोनों वक्त का खाना खा सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी ज़रूर बजाइएगा।